हमारा सर शर्म से झुक गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने विधानसभा में सिर्फ इतना सा कहा था कि आप मणिपुर की घटना की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे प्रदेश की माता और बहनों की हम हिफाजत नहीं कर पाए। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, रोज चार पांच दिन पहले हमारे असद सर के अंदर 20 साल की एक बच्ची नींद में सोते हुए गला रेत दिया गया था, घर वालों को घायल कर दिया गया था। रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, रोज हमारी महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव आ गया। सरकारें क्या कर रही है? सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर मैंने कहा अपने गिरिबान में झांक के देखो, हम हमारी माता और बहनों की हिफाजत नहीं कर पाए, उनके मान सम्मान की रक्षा हम नहीं कर पाए। इतनी सी बात के बाद में मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। मैं इस गहलोत सरकार को दो दो बार, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने बढ़ाया, आपके भाई ने दो दो बार, 2008 में ये तो फेल हो गए थे, इनके पास तो 96 एमएलए थे, एमएलए इनको 100 से ऊपर चाहिए थे, मैंने 6 एमएलए दिए थे इनको, 6, इसको मुख्यमंत्री बनाने में इसकी मदद की थी पूरी की पूरी। उसके बाद में राज्यसभा का 6 बार वोट दिया इसके कहने से। दूसरी बार 2018 में मैंने फिर से एमएलए 6 एमएलए, वही कांग्रेस, वही राजेंद्र गुड्डा, वही अशोक गहलोत, दोबारा सरकार बनाने में इसकी मदद की, संकट के समय इसकी सरकार को बचाने के लिए इसकी मदद की। खुद अशोक गहलोत शिवम के जन्मदिन पर गुड़ा हेलीकॉप्टर लेकर आए थे और उसने खुद अपने मुंह से 50,000 की भीड़ में कहा था, राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। आप सबके सामने अशोक गहलोत कह के गया था ये बात। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे एहसान फरामोश लोग जिन्होंने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या गलती की थी मैंने। सिर्फ माता बहन, मैंने ये कहा था कि हम 4 महीने बाद में विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, किस मुंह से नौजवान से वोट मांगेंगे, किस मुंह से माता बहन के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। हमने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी सी बात के ऊपर इन्होंने मुझे बर्खास्त किया, मेरे से इस्तीफा मांग लेते मैं सम्मान इस्तीफा दे देता। बर्खास्त यदि मैं इस्तीफा नहीं देता तो बर्खास्ती बनती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद में सोमवार को मैं विधानसभा में, आज से 8 दिन पहले मैं विधानसभा में गया, मैं मंत्री नहीं था उस टाइम में, मंत्री की कुर्सी पर मैं बैठ भी नहीं सकता था क्यों मंत्री नहीं था, मेरे लिए दूसरी कुर्सी नहीं लगाई, मेरे लिए कुर्सी नहीं थी वहां, ये कुर्सी अशोक गहलोत की मेहरबानी से नहीं मिली थी मुझे, ये कुर्सी आपने दी थी मुझे, ये मेरा अधिकार था जो आपने मुझे पूछाया था, इस अधिकार से मेरे पास कुर्सी नहीं थी, बोलने के लिए माइक नहीं था। मैंने अध्यक्ष को जाकर कहा क्या बात है, मेरी चेयर कहाँ है, मुझे बोलना है, मुझे बर्खास्त किया इस मामले में, मुझे मेरी बात रखनी है। उसने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे वो बैठने के लिए सीट नहीं दी। उसके बाद बीच में धारीवाल बोलने लगा, उसने धारीवाल को बोलने के लिए कह दिया। मैंने मेरी चेयर की व्यवस्था हुई, मगर आप कैसे कर सकते हो।